आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के कारण अच्छी चल रही है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में बड़ा उछाल आया है और लोगों को पसंद आ रही है फिल्म, और कई लोग लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस फिल्म को थिएटर में जाकर जरूर देखें। लेकिन इसी बीच इस फिल्म को लेकर एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। रॉकेट्री देखने गए लोगों ने थिएटर में हंगामा मचा दिया, थिएटर वालों से झगड़ा हो गया और वहां पर तोड़फोड़, लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई है। ये मामला सामने आया है कोलकाता के एक थिएटर से, जहां पर रॉकेट्री फिल्म देखने गई थी ऑडियंस, और वहीं पर ये लड़ाई झगड़ा और बहस हो गई। सोशल मीडिया पर आर माधवन को टैग करते हुए ये वीडियो शेयर किया गया है और आर माधवन को बताया गया है कि उनकी फिल्म के दौरान ये सब हो रहा है। एक्चुअली जो वीडियो है उसमें देखा जा सकता है कि लोग नाराज है, रॉकेट्री फिल्म देखने पहुंचे लोगों के साथ थिएटर वालों ने धोखा किया। जिस वक्त ये फिल्म चल रही थी और फिल्म का क्लाइमैक्स ही आने वाला था, तभी थिएटर की तरफ से फिल्म को बंद कर दिया गया। इसी वजह से मौजूद लोग नाराज हो गए और उन्होंने थिएटर मैनेजमेंट के साथ झगड़ा किया और वहां पर तोड़फोड़ की नौबत आ गई, मीडिया और पुलिस को बुलाना पड़ गया। इसी बीच थिएटर से निकलते हुए लोगों ने नाराजगी जताई है और आर माधवन को यही वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने टैग किया है और फॉर्म किया है कि सर आपकी फिल्म के दौरान इस तरह की चीज हुई है, फैंस निराश होकर लौटे हैं, क्लाइमैक्स तक नहीं देख पाए फिल्म का। 45 मिनट हो गया, मैक्सिमम बोल रहे हैं, यहां पब्लिक देख रहे हैं कि आदमी बैठा है चुपचाप, भला कैसा बोल दिया। लोगों ने आर माधवन से पूछा है कि आखिर आईनॉक्स में, जहां हम इतना पैसा भर के ये फिल्म देखने गए, फिल्म पूरी क्यों नहीं दिखाई गई और अब्रप्टली फिल्म को बंद क्यों किया गया। आर माधवन ने इस वीडियो को देखने के बाद रिएक्ट करते हुए कहा कि मैं ये मानता हूं कि कुछ ना कुछ फॉल्ट रहा होगा और कुछ ना कुछ जेन्युइन रीजन हुआ होगा, इसीलिए फिल्म की स्क्रीनिंग रोकी होगी, वरना इतनी बड़ी थिएटर चेन है वो ऐसे ही फिल्म को बीच में नहीं रोकेगी। साथ ही उन्होंने अपने फैंस को काम और शांत रहने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि जल्द ही कोशिश करेंगे कि आपका जो शो इस तरह से बिगड़ा है उसकी फिर से व्यवस्था की जाएगी। कुछ इस तरीके से आर माधवन ने पूरे मामले पर रिएक्ट किया है। आपको बता दें कि आर माधवन की इस फिल्म को लेकर इनिशियली ये भी खबर आई थी कि बॉलीवुड माफियाज ने या मूवी माफियाज ने इस फिल्म को टारगेट किया। फिल्म जिन थिएटर्स में रिलीज़ हो रही थी वहाँ पर फिल्मों के पोस्टर्स तक नहीं लगाए गए थे, जिसमें मूवी माफियाज का हाथ बताया जा रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ये फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है और स्लोली ग्रो कर रही है। हफ्ते दर हफ्ते इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बढ़ रहे हैं और अब तो स्कूल के बच्चों को भी ग्रुप्स में ले जाकर ये फिल्म दिखाई जा रही है। फिल्म सभी को देखनी चाहिए। एक देशभक्त साइंटिस्ट की ये कहानी है, जिसने सिर्फ अपने आप को सही प्रूफ करने में पूरी जिंदगी निकाल दी। एक होनहार ब्रिलियंट इंटेलिजेंट साइंटिस्ट की जिंदगी एक केस के कारण कैसे बिगड़ी, ये कहानी है रॉकेट्री की।